नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कुल 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक खत्म होने के बाद ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने जानकारी दी कि बैठक में यूपी निकाय चुनाव के अध्यादेश पर मुहर लग गई है और अगले 48 घंटों के भीतर अधिसूचना जारी हो सकती है। साथ ही इसमें यूपी निकाय चुनाव आरक्षण पर्यटन विभाग के प्रस्ताव MSME विभाग के प्रस्ताव के साथ कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। बता दें यूपी की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, जिसमें निकाय चुनाव के अध्यादेश पर मुहर लगी है। बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद AK शर्मा ने जानकारी दी कि बैठक में यूपी निकाय चुनाव के अध्यादेश पर मुहर लग गई है और 48 घंटे के भीतर ही अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। बता दें 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ अहम रहा इसमें? ये मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। बुधवार को उनके आवास पर जितने भी मंत्री थे, विभाग के, उस विभाग के मंत्री वहां पर बैठते थे और उसके बाद कल कैबिनेट की मंत्री बैठक हुई, उसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब आरक्षण निकाय को, जो निकाय में आरक्षण सूचना है उसको लेकर के भी जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। तो 48 घंटे का समय दिया गया था, वो 48 घंटे के बीच में निकाय आरक्षण की सूचना भी जारी हो सकती है। देर रात बुधवार को आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है, उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। तो कुल मिलाकर के अब स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट के बाद से जो भी अटकलें अभी तक अटकी हुई थी, जो भी प्रस्ताव लाए गए थे, उनको अब लेकर के आरक्षण को लेकर के जो नई प्रक्रिया लागू की है उसको लेकर के अब 48 घंटे के भीतर अब ये अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। रितेश, इस बैठक में कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की गई। नगर विकास मंत्री AK शर्मा और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य रूप से मौजूद है, और भी आला कमान जो मंत्री है, विभाग के जो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सब उसमें सम्मिलित रहे। उसके बाद 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 35 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है कि युवाओं को टैबलेट और जो है स्मार्टफोन से जो देने की बात, टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात कही जा रही है, वो कैबिनेट की बैठक में ये रात में क्लियर किया गया है। अब इसकी जो उसके पात्र है, अब इसकी जांच की जाएगी, जो जो उसके पात्र होंगे और कौन लोग पात्र होंगे उनको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि जो 2022 और 2023 के लिए 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाने की बात कही जा रही है। और निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के जो भी अटकलें थी वो भी साफ नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब 48 घंटे के भीतर स्थानीय जो नगरीय निकाय की जो चुनाव की आरक्षण की जो अधिसूचना है वो जारी भी की जा सकती है। जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा बढ़ गया है, जिसको लेकर राजनीति गलियारों में सभी पार्टी के लिए 2024 आम चुनाव से पहले ये अगली परीक्षा से कम नहीं है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। दृष्टिगत भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ प्रत्याशी चयन के होमवर्क में जुटेगी। पार्टी नगर निगमों के साथ ही नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अपना दबदबा बनाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी, जिसको लेकर भाजपा राज्य मुख्यालय पर हुई प्रदेश भाजपा की नई टीम और नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्षों की पहली बैठक में इस पर मंथन हुआ। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर राजनीति भी
तेज हो गई है। लगातार सभी पार्टियां निकाय चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में दिख रही हैं। बताते हैं कि प्रत्याशी चयन के होमवर्क में भाजपा जुट गई है। बता दें कि 2024 का आम चुनाव से पहले ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बता दें कि चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में सभी पार्टियों में सियासत तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। निकाय चुनाव ने प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सभी पार्टी के लिए 2024 आम चुनाव से पहले ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है। भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ प्रत्याशी चयन के होमवर्क में जुटेगी। पार्टी नगर निगमों के साथ ही नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अपना दबदबा बनाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। बता दें कि निकाय चुनाव के दृष्टिगत सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए सभी प्रत्याशी के चयन के होमवर्क में जुट गई है। पार्टी नगर निगमों के साथ ही नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अपना दबदबा बनाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। निकाय चुनाव को लेकर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 48 घंटों के भीतर अधिसूचना भी जारी हो सकती है। बता दें कि चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में सभी पार्टियों में सियासत भी तेज हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा बढ़ गया है, सभी पार्टियां निकाय चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, चाहे बात की जाए समाजवादी पार्टी या क्षेत्रीय छोटे दल सुबसपा या निषाद पार्टी, सभी दल लगातार अपने जमीन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को एक लंबे अरसे के बाद कोर्ट का फैसला आया, जिसमें ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने को मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि आज निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। आपको बताएं कि बीते बुधवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर उन्हें स्वीकृति दी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरक्षण की जो नीतियां हैं उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए और निकाय चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कल एक बैठक की, जिसमें अपने नए जो नवेले का पदाधिकारी हैं उनको कैसे निकाय चुनाव का जो निकाय चुनाव की लड़ाई है वो कैसे लड़ेंगे और अपने पक्ष में कैसे करेंगे, इसको लेकर मंथन किया गया। आज फिर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश कार्यालय पर 11 बजे एक अहम बैठक होगी। इस बैठक को निकाय चुनाव के मद्देनजर रखा जा रहा है। आपको बताएं कि इस बैठक की अगुवाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। इसमें साफ तौर से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जाएंगे कि आखिर कैसे भाजपा के पक्ष में चुनाव किया जाए। मयूरी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर देखें तो पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर तमाम मोर्चे हैं। इन सभी मोर्चों को जो नैतिक उनके जिम्मेदारियां हैं उसको तय करने को लेकर आज बैठक की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपने कहीं ना कहीं एक नए राजनीतिक तेज के साथ जो जाति जनगणना की मुद्दा है उसको लेकर निकाय चुनाव में भी उतरेगी। अगर बात करें मयूरी, तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, चाहे बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे बात की जाए पार्टी में एक लंबे अरसे के बाद वापसी करने वाले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, चाहे बात की जाए राजपाल कश्यप जो कि पिछड़ा मोर्चा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये सभी नेता जाकर अलग अलग क्षेत्रों में
समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं जमीन मजबूत कर रहे हैं और निकाय चुनाव के लिए ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो सुभाषपा पहले ही कह चुकी है कि निकाय चुनाव वो अकेले लड़ेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज माना जा रहा है कि मेयर और साथ ही साथ जो तमाम पद हैं, चाहे बात की जाए नगर निगम के अध्यक्ष, चाहे बात की जाए नगर पालिका या नगर पंचायत, इन तमाम जगहों के जो मेयर होंगे अध्यक्ष होंगे उनके आरक्षण की सूची भी आज माना जा रहा है जारी हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर बात करें तो पिछले कुछ महीने अगर देखें तो निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची आ गई थी, मगर उसमें कहीं ना कहीं देखें तो सरकार की तरफ से उस पर कहा गया कि रिपोर्ट और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि आरक्षण की जो प्रारूप है उसके साथ कहीं ना कहीं कमी की गई है। अब एक बार फिर आरक्षण की सूची को लेकर आज निर्देश जारी हो सकता है। दिवांशु, देखिए 2024 के आम चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव अग्नि परीक्षा मानी जा रही है, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है, कितना फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो नगर निगम हो या नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, यहाँ सभी राजनीतिक दल ये चाह में उतरेंगे कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ जीते, जिससे लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर पार्टी के पक्ष में देखने को मिल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि निकाय चुनाव को उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी RLD एक साथ गठबंधन के हिस्से में चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की घटक दल अपना दल और निषाद पार्टी भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आएगी। अगर बात करें तो सुभाषपा एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी होगी जो कांग्रेस और सुभाषपा जो अकेले निकाय चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है और मेयरों के आरक्षण की जो लिस्ट है वो जारी होती है, तो इससे जल्द ही माना जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल अलग अलग क्षेत्रों में जो निकाय के प्रत्याशी हैं उसके नामों का भी ऐलान करेंगे। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस चुनाव से ही 2024 की दशा दिशा तय होगी। जी मयूरी, विवांशु, तो क्या भाजपा और सपा की सीधी लड़ाई मानी जाए? जी, विधानसभा से पहले प्रदेश के अंदर में पंचायत चुनाव हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और RLD का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुकाबला देते हुए नजर आया था। ठीक वैसे ही माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोटर्स में लगभग अगर देखें तो 50% का इजाफा हुआ है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी जहां अपने सहयोगियों के साथ उतर के अब चुनाव अपने प्रयास में करने का प्रयास करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उतर कर और चुनाव को अपने पाले में करने का प्रयास करेगी। अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ लगभग अक्टूबर से ही प्रदेश में तेज हैं और जनवरी से ही जो चार्जेज हैं वो वहाँ नगर आयुक्त और तमाम जो अफसर हैं उनके हाथों में है। कहीं ना कहीं देखें तो अब निकाय चुनाव के रास्ता साफ हो गया है और माना जा रहा है मयूरी कि मई से जून महीने में निकाय चुनाव की तिथियां आ जाएंगी। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बता दें निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा बढ़ गया है, जिसको लेकर राजनीति गलियारों में सभी पार्टी के लिए 2024 आम चुनाव से पहले ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी हो सकता है। बता दें कि भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ प्रत्याशी चयन के होमवर्क में जुटेगी। पार्टी नगर निगमों के साथ ही नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में अपना दबदबा बनाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी, जिसको लेकर भाजपा राज्य मुख्यालय पर हुई प्रदेश भाजपा की नई टीम और नव नियुक्त क्षेत्र अध्यक्षों की पहली बैठक में इस पर मंथन हुआ है। बता दें कि जल्द ही नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं।
बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों के विभिन्न राजनीतिक दल इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी के बाद चुनाव की तारीख की घोषणा भी जल्द की जाएगी। बता दें कि सीएम योगी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर जल्द अधिसूचना जारी होगी। बृजेश पाठक ने साथ ही बताया कि यूपी में 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल होगी। उल्लेखनीय है कि नगर निकाय चुनाव बीते साल ही होने थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव नहीं कराए गए। आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग का गठन 6 महीने के लिए किया गया, जिसने समय रहते ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। वहीं कैबिनेट ने भी आयोग की सिफारिशों की मंजूरी दे दी। बता दें कि उधर इस बैठक में मंत्रिपरिषद के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 22 प्रस्ताव पारित किए गए। ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कानूनी संशोधन किए जाने पर भी बात हुई। इसके तहत नगर पालिका और नगर निगम अधिनियम में संशोधन होंगे। सरकार अध्यादेश लाकर यह संशोधित करेगी कि अध्यादेश लाने को लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 4000 मेगावाट की परियोजना स्थापित किए जाने पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी परियोजनाएं लगेंगी। यह परियोजना 4786 करोड़ रुपए की हो है। बता दें कि निकाय चुनाव की सरगर्मियां एक बार तेज हो गई हैं। 48 घंटों के भीतर अधिसूचना भी जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश बुधवार को यूपी कैबिनेट ने पास कर दिया है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहां से नोटिफाई होने के बाद इसे लागू पर निकाय प्रमुखों पर प्रस्तावित आरक्षण जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश समेत कुल 21 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। बता दें कि शहरी निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण इस बार ट्रिपल टेस्ट के लिए बने डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाना है। लिहाजा आरक्षण देने की पुरानी व्यवस्था में बदलाव होना तय था। इसके लिए नगर विकास विभाग ने बुधवार को कैबिनेट में नगर पालिका अधिनियम 1916 और नगर निगम अधिनियम 1959 की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन के लिए अध्यादेश पेश किया, जिसे कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। बता दें गुरुवार को प्रस्तावित आरक्षण जारी हो सकता है। इसके बाद 7 दिन के प्रस्तावित आरक्षण पर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी। यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग को मिलने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के 2 सप्ताह तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।